ड्रायोपिथेकस मायोसिनु के कई प्रागैतिहासिक प्राइमेट में से एक था। ये पेड़ पर रहने वाले वानर लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और फिर लाखों साल बाद इसके होमिनिड वंशजों की तरह ये प्रजाति यूरोप और एशिया में फैल गए थे। हालांकि ड्रायोपिथेकस केवल आधुनिक मनुष्यों से दूर से ही संबंधित था, ड्रायोपिथेकस में अधिकांश विशेषताओं की कमी थी जो मनुष्य और वर्तमान वानर प्रजातियों में अंतर करती है। उनके कैनाइन दांत इंसानों की तुलना में बड़े थे, हालांकि वे आज के वानरों की तरह विकसित नहीं थे। इसके अलावा उनके शरीर के अंग अपेक्षाकृत छोटे थे और उनकी खोपड़ी भी उनके आधुनिक रिश्तेदारों से छोटी हुआ करती थी। क्लाइमेट और वेजिटेशन में परिवर्तन ड्रायोपिथेकस की विलुप्ति का मुख्य कारण था।